नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के इस समय में जितने भी डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका खास ख्याल रखिए और किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सबसे अच्छा जरिया क्या होता है? योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं, इस समय स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे हम अपने शरीर की ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर में संक्रमण है और उस वो वाकई प्राणवायु के लिए उसे अगर कुछ एक्सरसाइजेस अपनी करनी है बीमार रहते हुए। स्वामी रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हर कोई यही जानना चाहता है कि कोरोना का संक्रमण अगर उसे लग गया है, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है वो? अगर वो नीचे जा रहा है, क्रिटिकल होने पे तो सब कहेंगे कि आप अस्पताल के केयर में जाइए, लेकिन एक औसत स्तर पर उसे बनाए रखने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो एक कोरोना पेशेंट को करने चाहिए स्वामी जी? श्वेता जी, पहले तो जो मैं कर रहा हूं यही करना चाहिए, इसका नाम अनुलोम विलोम है। और इससे मेरा लेवल देखो आप 100 अभी देख रहे हो मेरे हाथ में, यह 100 तक बना रहता है और अब आने वाले 20-30 सेकेंड आपके लिए भी आश्चर्यकारक होंगे। अब मैं अपने ऑक्सीजन लेवल को 50 तक लेकर के जाऊंगा और फिर वापस 10 सेकेंड के अंदर इसको 100 पर लेकर के आऊंगा और देश के लोगों को ये विश्वास जगाना चाहता हूं पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, कि आप यदि घर पर रह करके ही ये अभ्यास करें तो अपना ऑक्सीजन लेवल आप 10 से 20 सेकेंड के अंदर 95 से 100 के बीच ला सकते हैं। और ये अभ्यास मैं अभी शुरू कर रहा हूँ और इसके बाद बहुत कुछ मुझे आज बताना है, बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, कोरोना का हमारे लंग कर सब पर सबसे ज़्यादा असर होता है, पेट के ऊपर, वो सब कुछ बताएंगे। पहले ये शुरू कर देते हैं जी। और स्वामी जी, जब तक ये कर रहे हैं तब तक वो बोलेंगे नहीं, इसीलिए हम अपनी तरफ से वो अपने आप में आश्चर्यकारक होगा सबके लिए जी। अपनी तरफ से हम ये बोल दें कि ये दरअसल जो योग में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो योग गुरु हैं, वो कर सकते हैं, स्वामी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो कई सालों से कर रहे हैं। इसीलिए इसे करने का प्रयास, यानी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को कम करने का प्रयास मत कीजिएगा, उसके आगे का जो अभ्यास है, उसके आगे का जो योगाभ्यास है वो आपके लिए जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर नीचे जा रहा है तो किस तरीके से इमरजेंसी आपात आप काम कर सकते हैं, कैसे, जब तक आपको नहीं मदद मिल पा रही है तब तक क्या हो सकता है। तो स्वामी जी, इन 30 सेकेंड में जो दिखा रहे हैं उसके आगे हम चाहेंगे कि आप उसके बाद बताना शुरू करें कि अब ऐसी क्रिटिकल स्थिति से आगे क्या। ऑक्सीजन लेवल 50 से कम, 40 हार्ट भी, और अब इसको 10-20 सेकेंड में अनुलोम विलोम से 99 से 100 पर ले आते हैं। ऐसे ये
न जाने कहां तक पहुंच गया था, अब वापस सो पर आ गया है। तो ये एक तरीका बताया मैंने कि 50-60 पर ऑक्सीजन लेवल आ जाता है, वो कैसे आप 100 तक ला सकते हैं, ये मैंने ला करके दिखाया है। अब इसको तो एक तरफ रख देता हूं अभी, और आपको अगले उपाय बताता हूं। क्या क्या करना? भस्त्रिका प्राणायाम करना, लंबे श्वास लेना, लंबे छोड़ना। ये डबल सिलेंडर लगा रखे परमात्मा ने, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनसे भस्त्रिका में लिया, फिर कपालभाति में, फिर उज्जाई में, इससे श्वास को भर करके रोक करके रख दे। थोड़ी देर रोका और 10 से 20 सेकंड के बाद बाएं से छोड़ दिया। फिर यह अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिससे जितना बन पाए, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, अनुलोम विलोम। जिनका बीपी बहुत हाई है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन अशांत हो रहा है, घबराहट हो रही है, चारों तरफ नकारात्मक समाचार सुनने को मिल रहे हैं, आईसीयू में कुछ लोग भर्ती हो जाते हैं तो वहाँ कुछ टीवी चैनल देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाज़ें गूंज रही हैं, बीप हो रही है चारों तरफ कानों के अंदर, ऐसे में आदमी घबरा जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए शीतकारी भी जरूरी है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, जीवा से को बाहर निकाल के मुंह से लेना, नाक से छोड़ देना। फिर अगला है, दांतों के पीछे जीभ लगा के मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये तो विशेष टेक्निक्स है। अब जब हालात खराब हो जाती है, फेफड़ा ठीक से काम कर नहीं रहा है, तब क्या क्या करें वो जरा बताते हैं। एक तो ये मैंने स्टीम लगा रखा है, ये स्टीम का इक्विपमेंट पूरे देश में सब जगह मिल जाता है। इसमें खास बात यह है, ये देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत और यूकेलिप्टस ऑयल, ये समान मात्रा में 10-10 ml ले लिए, 5 ml इसमें लौंग का तेल मिला दे और इसको ऐसे डाल दिया, और इसको ऐसे डाल करके और इससे ऐसे स्टीम ले लें एकदम से, नाक से, मुंह से, आंखें बंद कर लें, नाक और मुंह से स्टीम ले लें एकदम से, पूरा फेफड़ा खुल जाएगा अंदर तक, ये बहुत जबरदस्त है। और लंग का फंक्शन गड़बड़ हो गया है, जब अपने तो श्वासारी गोल्डर के जरिए हमें दिखाया कि कैसे कम को आपने ज्यादा किया, कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर भी क्या इतना तेजी से असर दिखा सकते हैं ये आसन? ये जो प्राणायाम बता रहा हूं ये तो अद्भुत है। अब अगले उपाय और बताता हूं। मैंने श्वेता जी पिछले 40 सालों में करोड़ों लोगों पर यह प्रयोग किया, और अभी भी इस पेंडेमिक में मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, 70-80 ऑक्सीजन लेवल हो गया, क्या करें? मैंने कहा डीप ब्रीदिंग करो, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम उद्गीत, शीतरी शीतकारी करो, और 5-10 मिनट्स के अंदर, अभी आज तक पर देखते देखते ही हमारे साथ करें, और 10-20 सेकेंड्स आप सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इतना जबरदस्त इसका परिणाम है श्वेता जी। और इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज बताता हूं, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय जैसे मैंने अभी ये आपको स्टीम का उपाय बताया, अभी जैसे ये जो दिव्य धारा है इसको ऐसे नाक में लगा लिया और ऐसे सूंघ लें एक तरफ से, दूसरी तरफ से पूरा ऑक्सीजन
इतना जबरदस्त अंदर प्रवेश होगा और अंदर किसी भी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरेगुलरिटी है, मन कोविड होने से पहले भी किसी भी कारण से किसी का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑक्सीजन लेवल कम है और कोविड होने के बाद क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट, वायरलिटी रेट बहुत ज़्यादा इस बार के इस नए स्ट्रेन का, कितना ही ज़्यादा कोई वायरलिटी रेट हो, इन्फेक्टिविटी रेट हो, आप इस तरह से अपने आप को प्राणायाम करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और उपाय भी बता देता हूँ, जैसे मैंने श्वासारी का उपाय बताया, खाली पेट ये अणु तेल या षडबंधी तेल नाक में डालना, श्वासारी गोल्ड बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेट होने पर, अथवा श्वासारी नॉर्मल या श्वासारी प्रवाही या श्वासारी क्वाथ का प्रयोग कर लेना, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी गोल्ड या श्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद ये प्रयोग करने से, साथ ही हल्दी, हल्दी, लहसुन, अदरक, माने लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और इसमें थोड़ा सा ये दिव्य धारा मिला देते हैं और इसको हम लेप लगा देते हैं। ये लेप भी आपको हम यहाँ बता रहे हैं, ये कोई भी घर पे लगा सकते हैं। ये लेप जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये ऐसे ही है, इसके अंदर थोड़ा सा ही दिव्य धारा डाला और ये लेप आप देख रहे हैं उधर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लेप लगाएं। और इस लेप के साथ साथ हम जो है ये जिनको पेट की बड़ी दिक्कत है, आजकल पेट बहुत लोगों का खराब है, उसका पूरा उपाय तो बाद में बताएंगे, मिट्टी की पट्टी ऐसे रख दें, तो ये मिट्टी की पट्टी और ये लेप, ये अद्भुत चीज़ें, कोई भी घर पर इनको अप्लाई कर सकता है, ऐसे लगा करके फिर इसके ऊपर इसको टाइट करके एक कपड़ा बांध देते और उससे फेफड़े के अंदर एकदम से जबरदस्त रूप से एक परिवर्तन आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अपने आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर मिट्टी पट्टी जो मैंने बताई, ये पेट की दिक्कतें, वैसे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसका पानी हम कहते हैं रात को भिगो करके सुबह खाली पेट पी ले तो ये पेट की गड़बड़ी से भी, और अनार, सेब, पपीता, अनार, सेब, पपीता, मुनक्का, अंजीर, ये पांच चीज़ें ज़्यादा मात्रा में सेवन करें तो पेट की गड़बड़ी होने का भी प्रश्न है। और जिनका बहुत ही ज़्यादा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और उठा ही नहीं जाता, ऐसे हालात है, तो आज हमने सारी थेरापीज यहाँ पर की हुई हैं, तो सारी थेरापीज को भी आपको छोटा छोटा योगाभ्यास करते करते मैं बता रहा हूँ। एक तो जिनको ये दिक्कत है वे ऑक्सीजन रेट को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाने के लिए, एक तो देखिए ताड़ासन है, तो सारी तैयारी सिरोधारा से लेकर के अक्षी तर्पण से लेकर के इसको हम उद्वर्तन करते हैं, पाउडर मसाज उससे लेकर के, नॉर्मल मसाज से लेकर के और स्टीम से लेकर के, और जिनका पेट बहुत गड़बड़ है उनके लिए आगे एक प्रक्रिया बताने वाले हैं पूरा, लंबे श्वासों के साथ ये प्रक्रिया है, ये ऐसे ये प्रक्रिया है ताड़ासन की, इससे लोगों का ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है, ताड़ासन में, तिर्यक ताड़ासन में ऐसे ये अभ्यास ऐसे किया और ऐसे पांच पांच दस दस बार कर सकते हैं। इसके अलावा ये त्रिकोणासन भी लंबे श्वासों के साथ, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है ऐसे ये त्रिकोणासन, फिर एक अभ्यास होता है दोनों हाथ कंधों पर रख करके ऐसे ही घुमा लेना, ऐसे ही करने से, ऐसे क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज करने से, यह हार्ट के लिए भी अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा, ऐसे करें, सिर के पीछे से हाथों को ऐसे बांध करके खींचे, इनको बैठ करके भी किया जा सकता है ये सेम अभ्यास, ऐसे ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो अभी अभ्यास बता रहे थे ऐसे बैठ करके ये अभ्यास करें, और ऐसे भी ये अभ्यास ऐसे किया जा सकते। खास बात पांच आसन बता देता हूँ, ये श्वास भर के अर्धोष्ठासन, सारी थेरापीज भी हम दिखा रहे हैं आज तक पर एक साथ पहली बार, ये सारी थेरापी जो हमारे यहाँ पर युगों युगों से प्रयोग आती थी श्वेता जी, ये उष्ट्रासन, जो उष्ट्रासन न कर पाए वो अर्धोष्ट्रासन, और जो ये भी न कर पाए तो ये अर्धचंद्रासन, और जो ये भी न कर पाए तो ऐसे ही बैठ करके, और इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं इस प्रकार से,
ये ऐसे कर लिया ऐसे, और इसके अलावा बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज कोई भी उल्टे लेट करके कर सकते हैं। आजकल डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं, सब बता रहे हैं भाई उल्टे लेट करके और ऐसे ब्रीथिंग करो। ये पेट के बल लेट के जो ये जो प्रोन ऐसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कहा जाता है स्वामी जी, विद इन 5 to 10 minutes ज्यादा हमारे फेफड़ों की शक्ति होती है, क्या होता है इसमें, कैसे शरीर में ऑक्सीजन बेहतर फ्लो करता है इस समय ऐसे पोजिशन में? हमारे 7 करोड़ के करीब फेफड़ों के एल्वोलाइज हैं, हमारी फेफड़ों की कोशिकाएं हैं। जब लंबा श्वास ऐसे लेते हैं इस प्रकार से, तो पूरे फेफड़े के सारे की सारी कोशिकाएं एल्वोलाइज पूरे एक्टिव हो जाते हैं, पूरे फेफड़े रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें फैल जाते हैं, खुल जाते हैं। तो जब फेफड़े पूरे खुले होंगे और हम ऐसे यू श्वास लेंगे तो पूरा श्वास अंदर तक भरा जाता है, ऐसे इसको मकरासन कहते हैं। दूसरा है भुजंगासन, तो इसमें फेफड़े रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और श्वास पूरा अंदर भरते हैं, वो श्वास पूरा का पूरा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। तो मकरासन भुजंगासन आराम आराम से कर लें, कोई इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो कई दफा बहुत सारे इनमें से एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते हैं, कुछ हार्ट के पेशेंट्स के लिए आप बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जब अगर उन्हें पता चलता है वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना से? देखो हार्ट के पेशेंट के लिए स्पेसिफिक तो एक तो प्राणायाम है, हार्ट के पेशेंट कठिन आसन नहीं कर सकते तो उनको कोई भी क्रिटिकल पोस्चर करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें, तो हार्ट के पेशेंट जो है खाली ये जो अभ्यास बताया था मैंने ये अभ्यास करें, हार्ट के पेशेंट खाली ये सशकासन करें, आसनों में इस तरह से ये सशकासन करें, और इस सशकासन के साथ साथ फिर जो हार्ट के पेशेंट है यहाँ से ये पॉइंट दबाएं, एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं हार्ट के पेशेंट यहाँ से, और छोटी अंगुली के नाखून के पीछे यहाँ से दबाएं, एकदम से हार्ट के पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं। और हार्ट के पेशेंटों के लिए रामबाण है अनुलोम विलोम प्राणायाम, सिद्धासन सुखासन पद्मासन वज्रासन किसी भी आसन में बैठ करके या चेयर पर बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और हार्ट पेशेंट यदि कहीं उपलब्ध हो जाए या अपने घर में भी ऐसे सिरोधारा कर सकते हैं, ये जो सिरोधारा चल रही है तक्र से, छात से, दूध से अथवा बादाम रोगन से, नारियल के तेल से, किसी भी चीज़ से, ये सिरोधारा भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये अनुलोम विलोम ये बहुत ही ज़बरदस्त है हार्ट पेशेंट के लिए। साथ है भ्रामरी उद्गीत, ओ और सो करके साक्षी भाव से दृष्टा भाव से शरीर को देखते हैं, रिलैक्स होकर के माथे को आँखों को फेस को कंधों को हाथों को रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्वसन तंत्र को पूरे पाचन तंत्र को पेट को पीठ को ऐसे एक एक करके थाए पटक इसको पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं दृष्टा भाव से, और अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आत्मस्वरूप में अपने निजता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हार्ट के रोगियों के लिए ज़बरदस्त है फिर लौकी का जूस, हृदयामृत दो दो गोली और कार्डियोग्रिट खाली पेट एक एक गोली ले लें। और ये अर्जुन की छाल दालचीनी हमने पूरे हिंदुस्तान को बताई हुई है कि अर्जुन की छाल और ये दालचीनी, इसको अर्जुन की छाल को हमने पूरे देश को भी उपलब्ध कराया, अर्जुन की छाल दालचीनी इसको उबाल करके पी लें अथवा अर्जुन अरिष्ट ले लें, ये साधारण सी चीज़ें हैं लेकिन ये हार्ट के लिए ज़बरदस्त है। और मैंने देखा है, मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम एक एक घंटा लोगों को कराया है और हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया है, माने कोलेटर आर्टी तैयार हो जाती हैं, मेन आर्टीज खुल जाती हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ वो वापस बढ़ जाता है, जिनका 15-20 तक पहुंच गया था वापस 50-60 तक पहुंच गया, कोलेटर आर्टी तैयार हो गई, नेचुरल बाईपास हो गया, मेन आर्टरी जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई, पूरे मेरे पास में एंजियोग्राफी के प्रूफ हैं, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। श्वेता जी
स्वामी जी, हमने बीपी, शुगर और पेट की गड़बड़ियां जो है उनकी भी बात करनी थी, लेकिन आज के लिए समय हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है। तो जब हम कल अगला एपिसोड अपना दिखाएंगे, उसमें एक तो वो लोग जिन्हें जिनका शरीर अभी स्वस्थ है, वो अपनी क्षमता को, अपनी अपनी शरीर की, अपनी लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करें, साथ ही जो इस तरह की बीमारियां, जिनको पेट की बीमारियों के लक्षण इस समय हो रहे हैं कोरोना में, वो क्या करें, बीपी शुगर के पेशेंट क्या करें, ये सारी जानकारियां कल हम जानेंगे आपसे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।